जैसे कन्नी वैसी भन्नी। कई साल पहले गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों दूसरे व्यक्ति के साथ निर्दय रहते थे। भिखारी आने पर भी क्रोधित होते थे, गालियां देते थे। एक दिन वे अपना घर देखभाल करने के लिए नौकरानी को कहीं से ले आए। उसके साथ दिन रात काम करवाते थे। एक पल के लिए भी उसे बिना काम के नहीं छोड़ते थे। अकेले में वो नौकरानी अपनी स्थिति को लेकर बहुत चिंतित होती थी। अगर वो सुंदर होती तो कोई उसे शादी करके ले जाएगा, लेकिन खूबसूरत न होने की वजह से अपनी जिंदगी ऐसी बन गई। अब जिंदगी भर ऐसे ही बिताना पड़ेगा, सोचकर रोती थी। सूखी घास का उपयोग स्थानीय लोग जलालू लकड़ी के रूप में करते थे। कभी कभी मेवे घास में पाए जाते थे। नौकरानी उस मेवे को निकालकर इकट्ठा करती थी। एक दिन जब नौकरानी खाना पकाने में व्यस्त थी, तब एक बूढ़ा भिखारी घर के सामने आके दान के लिए पुकारा। नौकरानी को बूढ़े भिखारी पर दया आ गई। उसने अब तक जो मेवे इकट्ठा करती आई वो लेकर भिखारी को दे दिया। बूढ़े भिखारी ने नौकरानी को गंदे कपड़े का एक टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम हाथ मुंह धोगे तो इस कपड़े से अपना चेहरा पोंछ लो, तुम्हें भला होगा। इस बीच में नौकरानी के मालिक मालकिन बाहर से आए। अपनी नौकरानी उस गरीब को अपने घर से कोई दान दे दी सोचकर घबरा गए। नौकरानी पर क्रोधित होकर बहुत पीटे। उसके बाद हर बार जब नौकरानी नहाती थी अपने शरीर को गरीब का दिया हुआ पुराने कपड़े से पोंछती थी। धीरे धीरे उस नौकरानी के शरीर का रंग निखरती गई और नौकरानी कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अपनी नौकरानी को ऐसे देखकर उन दोनों उसका कारण जानने के लिए उसे बहुत सताए। एक दिन उसका राज जानकर उन दोनों ने नौकरानी से उस गंदे कपड़े को छीन लिए। उन दोनों ने सोचे कि उस कपड़े से बहुत पैसे कमाएंगे। ऐसे सोचते हुए उन दोनों ने अपने मुंह धोकर उस कपड़े से पोंछ कर आईने में देखे तो दोनों के चेहरे बंदर से हो गए। उनके शरीर पर बाल और बड़ी पूंछ उग आए। वो दोनों अपमान में पड़ गए और गांव के बाहर जंगल में भाग गए। इसके कारण नौकरानी उस घर और दौलत के लिए अधिकारिणी बन गई। अब नौकरानी बहुत ही सुंदर बन गई, इसलिए उस गांव में रहने वाले एक धनवान के बेटे ने उसके साथ शादी करने के लिए आया। नौकरानी ने उनसे शादी करके आनंदमय जिंदगी बिताई।